फिर से ठगा गया, कुछ भी नहीं मिला बिहार को। आप देखिएगा, बिहार ने इतनी बड़ी संख्या में यहाँ से सांसद भाजपा के लोगों को जितवाया, आज उनको शर्म से डूब जाना चाहिए। आज लगभग 8 साल जो है, 8 साल से ऊपर हो गए सरकार को, क्या मिला बिहार को? एक बड़ी चीज बता दो, या पूर्व में जो पहले सरकार रही, यूपीए की सरकार रही, उसने जितना दिया क्या इसने दिया एनडीए की सरकार ने? तो बिहार में तो इतने लोग जो केंद्र में मंत्री हैं बिहार के, उनको शर्म आनी चाहिए कि बिहार को क्या मिला। बजट में मैं समझती हूँ किसानों के लिए कुछ नहीं है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, और जहाँ पेट्रोल की क्राइसिस की उम्मीद कर रहे थे कि कब होंगे, इसके लिए कुछ भी नहीं किया गया है। वही जहाँ भाजपा ने कहा था कि आवारा पशुओं की जो समस्या है, जो पूरे उत्तर प्रदेश में खासतौर पर मंडी विविधता से है, उसके लिए कुछ नहीं कहा था। प्रधानमंत्री आए थे उत्तर प्रदेश चुनाव में, जो उन्होंने कहा था उसके लिए कोई प्रावधान करेंगे, लेकिन हमारा कुछ कुछ नहीं किया गया है, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस फार्मर्स को जो देने की हमें उम्मीद थी वो भी नहीं किया गया। ये बजट जो है, पहले कुछ लोगों ने जिनको थाली बजाने की और ताली बजाने की आदत है, उन लोगों ने अपनी पीठ थपथपाई, लेकिन बजट में एक ही टाइटल जाता है, ढूंढते रह जाओगे, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, सबसे ज़्यादा कारोबारों के लिए, क्या हमारे रोजगार के साथ साथ हमारे जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो बढ़ी हुई हैं, जो डॉलर आसमान छू रहा है, रुपए का भाव जिस तरह से कम हो चुका है, ये सारी बातों को, इन बातों पे कहीं कोई रोशनी नहीं डाली गई है।